Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. Hello guys and welcome back to channel. आज बहुत ही ज़्यादा खास दिन है और इस खास दिन का आप जो है वो हिस्सा रहेंगे क्योंकि पॉसिबल भी आप लोगों की वजह से हुआ है. तो मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप, और आज हम लोग जा रहे हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकती, हम लोग जा रहे हैं YouTube क्रिएटर कम्युनिटी के इवेंट पे जिसपे हमें इनवाइट किया गया है. और सिर्फ मैं जा रही हूँ क्योंकि तारा का ख्याल दीपक रख रहा है. तो पहली बार, और वो भी इंडिया में नहीं, जर्मनी में. इंडिया में तो काफ़ी सारे मैंने ऐसे इवेंट्स देखे हैं जो क्रिएटर्स जाते हैं, पर यहाँ पर पहली बार, और वो भी गूगल के ऑफिस में है. तो गूगल का ऑफिस देखना एक मोटिवेशन है. दूसरा यार, इट्स ड्रीम कम ट्रू टाइप, है ना. मैं ऑलरेडी रेडी हो गई हूँ, बस निकल रही हूँ मैं थोड़ी देर में. थोड़ी सी लेट हो गई हूँ और जल्दी भी आ जाऊँगी. लेट जाके जल्दी आ जाऊँगी क्योंकि तारा को दीपक थोड़ी देर के लिए संभाल रहा है, फिर मुझे आना पड़ेगा क्योंकि उसकी मीटिंग है. तो चलते, आपको भी थोड़ा सा इवेंट का बताएंगे वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. बट थैंक यू सो मच, आपकी वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है. और दीपक ने कैब बुक कर दिया, मैं जा रही हूँ. थैंक यू दीपक, तुम भी इनवाइटेड थे, पर काम फर्स्ट, जिम्मेदारी काम फर्स्ट. ऑफ कोर्स ऑफिस के काम छोड़ के ये नहीं जाया जा सकता. मैं तो अभी लीव पर हूँ. तारा, आपको पता है मम्मा कहाँ जा रही है? तारा बेटा, डू यू नो मम्मा कहाँ जा रही है? तो मैं कैब में तो बैठ गई हूँ, बट मैं मतलब बस और ट्रेन से भी जा सकती थी. बहुत ज़्यादा टाइम, जितना टाइम 17 मिनट्स कैब से दिखा रहा है उतने में ही मैं उससे पहुँच जाती ट्रेन से. पर आदत नहीं है क्योंकि दीपक हमेशा लेके जाता है, तो मैं सोचा चलो कैब से डायरेक्टली वहीं पर पहुँचेंगे और टाइम भी थोड़ा सा सेव होगा यहाँ से वहाँ जाने का. प्लस मैंने सैंडल्स भी पहने हुए हैं तो शायद मैं इतना वॉक नहीं कर पाऊँ क्योंकि पहले बस से ट्रेन, ट्रेन से फिर वहाँ उतरना है. बेसिकली जो भी इंडियन क्रिएटर्स होते हैं उनको इंडिया में ही इन्वाइट किया जाता है, राइट. और मैंने यहाँ पर एज ए इन्फ्लुएंसर जो है वो रजिस्टर किया है, तो मुझे यहाँ की सारी चीज़ें जो हैं इवेंट्स के जो भी इन्विटेशंस हैं वो सब चीज़ें आती हैं. प्लस मैं पार्टिसिपेट भी करती हूँ बहुत सारी चीज़ों में, जैसे उनके सर्वेज हो गए, वो सब चीज़ों में. इवन शॉर्ट्स कम्युनिटी का भी मैं पार्ट हूँ. बहुत ठंड हो रही है इसलिए मैंने काफ़ी मोटा सा जैकेट पहना है ताकि मैं ठंड में टुटुर ना जाऊँ. अगर मुझे एक दो मिनट भी बाहर रहना पड़ा तो बहुत ठंड लगेगी, तो ऐसा है. चलो फिर बाहर का थोड़ा दिखाते हैं. पहुंच चुके हैं एंड वी विल गो इनसाइड. ही इज आल्सो वेटिंग फॉर इट. जाते हैं. फील फ्री टू टेक योर हार्ट विद योर नेम. ओके ग्रेट. हियर यू फाइंड समथिंग टू ड्रिंक और टू ईट, बट देन व्हेनेवर यू आर रेडी यू कैन गो ऑन दिस रूम. ओके, हियर ऑल द क्रिएटर्स आर वेटिंग. ओके ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. हमारे साथ एक और इंडियन क्रिएटर है. Hi. आप अगर मुझे देख रहे होगे तो इनको भी जानते ही होगे. तो आप अपना चैनल का नाम बता दो. हाय, माय नेम इज़ प्रियंका और मेरा चैनल का नाम है वॉन्डरर्स प्रियंका. एंड मैं भी सुरभि की तरह जर्मनी रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन बनाती हूँ रिगार्डिंग जॉब्स. आप भी हिंदी में ही बनाते हो ना? हिंदी इंग्लिश दोनों. अच्छा, तो हम लोग ही, आई थिंक और कोई है क्या इंडियन क्रिएटर इधर अंदर? तो कोई नहीं था. और सबसे बोरिंग बात, इसको तो शायद जर्मन बहुत अच्छे से आती है, मेरे लिए बोरिंग ये है कि यहाँ पर सब लोग जर्मन में बात कर रहे हैं. और मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, मैं समझ सब लेती हूँ लेकिन मेरे को वो क्वेश्चन पूछना इतना डिफिकल्ट हो गया. पूरा मतलब क्वेश्चन बनाने तक ही टाइम चला जाता है और वो तब तक आगे चले जाते हैं. मुझे ये लग रहा था ऐसा ना हो क्योंकि हम जर्मनी में हैं, ये लोग बोल दें इस मीट पे भी कि तुम वीडियोस और फोटोज नहीं ले सकते. नहीं, ये तो बिल्कुल लीस्ट एक्सपेक्टेड था मेरे को.
फियर था मुझे सीरियसली। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। तुम्हारे साथ हुआ था ना फॉर्म वाला। और यहाँ पर ब्रेटजल है, जैसा कि ऑफ कोर्स जर्मनी में ब्रेटजल विद बटर। और यहाँ पर ड्रिंक्स है, आप ड्रिंक्स खा सकते हो। यहाँ कॉफ़ी मशीन है, कॉफ़ी। फाइनली जिस मोमेंट का मैं वेट कर रही थी मैं वहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। तो आपको दिख रहा होगा पीछे काफ़ी अच्छा सेटअप कर रखा है, तो यहाँ पर हम लेंगे बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स। सॉरी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड आपको फील हो रहा होगा, पर आई एम। यहाँ पर भी मैं थोड़े पिक्चर्स वगैरह लूँगी। एक और चीज़, यूट्यूब भी यही बोल रहा है कि प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, तो आप लोग कर लो। वैसे आपने कुछ मंथ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, पर अभी भी प्लीज़। बट यार काफ़ी अच्छा सेटअप है ना। मतलब मज़ा ही आ गया यहाँ पर आके। मतलब मैंने सोचा था इंडिया में कभी जाऊँगी, पर म्यूनिक में, जर्मनी में आके इट वॉज नेक्स्ट लेवल। और कुछ हमारे इंडियंस भाई बंधु भी हमें यहाँ पर मिल गए जो यहाँ पर काम करते थे, तो मुझे लगता है यहाँ पर काफ़ी अच्छी पार्टी होने वाली है, जिसके लिए मैं वेट नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता है तारा वेट कर रही है, दीपक भी वेट कर रहा है, उसको मीटिंग है। पर हम लोग पिक्चर्स ज़रूर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ का जो भी चल रहा है वो बताएंगे। इसमें ना हमारे नाम लिखे हुए हैं यूट्यूब। अच्छा, शायद हाँ, या सबका ही ऐसा ही है। अच्छा, उसने मुझे बोला था चैनल का नाम, लेकिन आई थिंक सबका सेम। इधर है, इधर है। अच्छा हाँ, चैनल का नाम है ना, तो हाँ, तो देखो ढूंढो। और नाम नहीं रखा गया, इन्हें चीटिंग कर दी। तुम्हारा है ये? अरे हाँ, ये मेरा है। मेरे को मेरा नहीं मिला यार। वाह, चैनल नेम है इंडियन गर्ल इन यूरोप। ओ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर आप इंडियन क्रिएटर हो और आपने ऐसी कम्युनिटी मीट कभी भी अटेंड करी है, तो आप बताना खाने में क्या मिलता है, क्योंकि यहाँ खाने में सिर्फ ब्रेटजल है, जो कि जिस स्टेट में हम हैं उसका काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा है, बहुत सॉल्टी होता है पर अच्छा होता है। प्रियंका, सिर्फ तुम और मैं हूँ यहाँ पर। चलो अब कुछ खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख सी लग रही है। ही क्लिक्ड वेरी गुड पिक्चर्स, आई टोल्ड हिम टू सब्सक्राइब माय चैनल। इंडियन गर्ल इन यूरोप, या यूरोप। दैट्स यू? या, दिस इज मी। सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच। अब हम ये क्रिएटर कलेक्टिव वाला केक खाएंगे, डोनट। एक्चुअली आप कहाँ से हो? पाकिस्तान से। ओह गुड। और इंडिया दोनों। क्या चैनल है आपका, क्या कंटेंट? मैं करता हूँ चैनल स्पोर्ट। गुड यार, भाई भाई लोग भी हो गया। देसी भाई, आप कैसे कंटेंट बना रहे हैं? यार ये सब्सक्राइब करो, पहले बताएंगे सब्सक्राइब। सबसे सब्सक्राइब करवा रही हूँ, सब्सक्राइब करो यार। बिंगो भी जर्मन में, ये बहुत इंटरेस्टिंग था, पर अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जीती, क्योंकि इसमें सब मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपके वो सब क्रिएटर्स के पास जाना है और उनका नाम लिखना है, और एक
कॉलम में एक ही नाम लिख सकते हैं, मतलब एक जो टैब है, तो भाई हमसे ना हो पाया, सॉरी, बट प्रिंस इज देयर, वेरी मच, थैंक यू बाय बाय। तो ये है गूगल का ऑफिस। यस, हमको एक छोटा सा गिफ्ट भी मिला है, सी दिस, एंड ऑफ कोर्स ये जो है जिंजर ब्रेड। कैब वाला आने वाला है, मैं कैब का वेट कर रही हूँ, और मज़ेदार था। सही जगह है गूगल का ऑफिस, सामने आपको मर्सिडीज़ का लोगो दिख रहा होगा। ये गूगल का ऑफिस है, काफ़ी बड़ा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज हैं, और ये एरिया भी काफ़ी अच्छा है। कैब आ जाए बस। सो कैब आ चुकी है हमारी। अरे तो चालू था, उसको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ये क्या है? ये तुम बताओ ये क्या है? ये चॉकलेट है क्या? तुमने तो दी नहीं मुझे। चॉकलेट है? ये नहीं मिलती है यहाँ की, फेमस है ना, ये देते हैं हर चीज में। अक्टूबर फर्स्ट में भी देखा ये तो मुझे पता ही नहीं है। जिंजर ब्रेड, इसमें चैनल का नाम, फिर ये कम्युनिटी क्रिएटर, कम्युनिटी का टैग, और आई थिंक उसमें भी कुछ गिफ्ट है। पर कैसा था एक्सपीरियंस? अरे गूगल ऑफिस जाके बहुत खुशी हुई, ऐसा लगा यहीं काम कर लेना। याद है तुम्हें, याद है तुम्हें दिल्ली वाला एक्सपीरियंस, रोना आ रहा था। क्रिएटर्स एक दुख के थे, एक ही थी बस वहाँ पर, लेकिन जो काम कर रहे थे वो बहुत सारे इंडियंस थे गूगल में। कैसा था ऑफिस? अच्छा था काफी। और ये क्या इवेंट कैसा था? इवेंट भी काफी अच्छा था, वो लोग बता रहे थे जर्मन में कि क्या कैसे, पर बढ़िया था, मतलब अच्छा था। मैं तो जल्दी आ गई अभी, मैं, मेरी फ्रेंड बता रही है कि अभी और अच्छे बड़े बड़े क्रिएटर्स आए हैं, बट हमें तो हमारे बड़े क्रिएटर तो यही रह गए, सो रहे थे। तो हमारे बड़े क्रिएटर तो ये हैं भैया, इनको खुश रखना ज्यादा जरूरी है। सो गाइज, होप यू एंजॉयड दिस। और अभी दारू तो चालू नहीं हुई, दारू चालू होती दीपक, हाँ, बियर और वाइन्स। तो होप यू एंजॉयड दिस। मेरे को बेसिकली ये बताना था कि यहाँ पर, मतलब इंडिया तो इंडिया, जर्मनी में कैसे होते हैं इवेंट। सारा ये बोल रही है कि इसे खोल के दिखाओ, खोल के दिखा, इसको ओपन कर दो। तो पहले सब्सक्राइब कर लो, वहाँ दीपक बहुत बड़ा घंटा लगा था बेल आइकन दबाने के लिए कि भैया घंटी बजा, हाँ कर लिया वही। आई थिंक शायद कैंडल है, शायद पेन स्टैंड है क्या? हाँ वो बताया, और होप आप, शायद आपको नहीं पता होगा यहाँ के क्रिएटर, पर काफी ज्यादा बड़े बड़े क्रिएटर्स थे वहाँ पर, इंक्लूडिंग मतलब जिन जिन से भी पूछ रही थी, सबके सब्सक्राइबर मुझसे ज़्यादा ही थे, तो मुझे बहुत दुख हुआ, भैया सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। और क्योंकि वो जर्मन क्रिएटर्स थे तो मैं नहीं जानती थी, तो बहुत दुख हो रहा था यार, और बहुत ही डाउन टू अर्थ टाइप के लोग थे, पर मैं भी थी आपको। डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट था, दीपक को ये चीज जानना है, पर हाँ काफी काफी सारे क्रिएटर्स थे। वही मतलब आप डॉयचलैंड में होके, जर्मनी में होके, हिंदुस्तान कंटेंट क्रिएटर जो है उसके कम सब्सक्राइबर कैसे हो सकते? प्लीज इस बात पे सब्सक्राइब करें, बिना जाना मत, शेयर करना, ताकि यार हमें आगे बढ़ना है, एक साथ आगे बढ़ना है। मैंने तो सबसे अपना चैनल सब्सक्राइब करवाया कि आज कुछ सब्सक्राइबर्स तो मिल ही जाए। वेल, बाय फॉर नाउ, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।